हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल प्रिंस 708 के अंदर। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि SBI ATM से हम कैश कैसे निकालते हैं ATM के द्वारा। दोस्तों वैसे सभी ATM का कैश निकालने का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, फिर भी हम एक एक करके सभी ATMs को हम कैप्चर करेंगे और आप हमारे सभी वीडियो को देखिएगा एक एक करके। चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में और ये भी सीखेंगे कि हम कैश निकालते दौरान अगर जो हमारा ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है और पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट होता है तो उस केस में हमें कहाँ कंप्लेंट करना होता है और किस तरीके से हमें अपना पैसा रिकवर करना होता है। साथ ही हम सिक्योरिटी के जो डिवाइसेस लगे होते हैं उसे भी हम चेक करेंगे कि हाँ किसी मशीन के अंदर कोई फ्रॉड करने के डिवाइसेस तो नहीं लगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्कैमिंग डिवाइसेस जो कि कीपैड पे होता है, कीपैड पे हम चेक कर लेंगे कोई डिवाइसेस या कुछ इस तरह का कुछ लगा तो नहीं है, और साथ ही हम ये जो कार्ड रीडर मशीन होता है उस पर भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ लगा तो नहीं है, उसके बाद ही हम ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे। दोस्तों हम SBI ATM के अंदर आ चुके हैं, अभी हम ATM के अंदर सबसे पहले सीखेंगे कि कार्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। तो कार्ड का जो चिप वाला हिस्सा होता है वो हम आगे की तरफ को इंसर्ट करेंगे और जो मैग्नेट वाला हिस्सा होता है वो हम नीचे की तरफ को रखेंगे। तो हम कार्ड को इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हम कार्ड इंसर्ट कर देंगे मशीन के अंदर, मशीन के स्क्रीन पर एक मैसेज शो करता है कि कार्ड जब तक ट्रांजेक्शन होगा कार्ड को अंदर ही मशीन के अंदर रहने दिया जाए। इसके बाद हमारा कार्ड रीड हो चुका, अब ये लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है, हमने हिंदी सिलेक्ट किया और उसके बाद हम निकासी के अंदर जाएंगे। निकासी में जाने के बाद यहाँ हमें पैसे एंटर करने, यहाँ मशीन में दिखा रहे कि 500 और 2000 के नोट हैं, तो आप 500 से नीचे नहीं निकाल सकते और 500 के मल्टीपल में ही आप नोट निकालेंगे। अभी हमारे हमसे पिन एंटर करने को बोल रहे हैं, हम अपना पिन एंटर कर रहे हैं, हमने अपना पिन एंटर कर दिया और मशीन अब ट्रांजेक्शन कर रही है। आपको आवाज़ ही आ रही होगी कैश निकालने की। अभी हम अपना कार्ड निकाल लेंगे और कार्ड निकालने के बाद नीचे देखिए बॉस, कैश जहाँ से आता है वहाँ पे भी लाइट जल रही है, कैश भी हम अपना ले लेंगे। कार्ड और कैश निकालने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि क्या आप अपना अकाउंट का बैलेंस जानना चाहते हैं। देखिए मैसेज डेबिट का अकाउंट से मैसेज भी आ चुका है, तो हम नहीं जानना चाहते हो तो हम नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मशीन आपसे रेटिंग के लिए बोल रहा है, आप चाहें तो दे सकते हैं नहीं तो कैंसिल दबा दें। इसके बाद ये आपके ट्रांजेक्शन जो हुआ था उसके बारे में बता रही है, फिर से एक बार कैंसिल दबाएं और आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जब हम कैश निकालते समय हमारा कैश फंस जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम किस बैंक का ATM कार्ड यूज कर रहे हैं और किस बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों चीजें मायने रखती है। अगर जो मान लीजिए आप SBI के ATM से पैसा निकाल रहे हैं और आपके पास कार्ड SBI का है तो आप कंप्लेंट कहां करेंगे? SBI बैंक में। लेकिन अगर जो आपके पास कार्ड PNB का, SBI, HDFC का या किसी अदर बैंक का है तो कंप्लेंट हमेशा हम अपने कार्ड होल्डर अकाउंट को करते हैं, अपने बैंक को करते हैं जिस बैंक का हम कार्ड यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी क्या आप बैंक वालों को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हाँ हमने आज सर आपके ATM से पैसा निकाला और मेरा पैसा फंस गया। हम हमेशा अपने बैंक में कंप्लेंट करेंगे जिस भी बैंक का हम कार्ड यूज कर रहे होते हैं। अब हमें नंबर कहाँ मिलेगा? सही नंबर कभी भी गूगल करके आप सर्च ना करें, क्योंकि गूगल पे 99% आपको फ्रॉडिस्ट का नंबर मिलेगा जिससे आप स्कैम में फंस सकते हैं। तो हमेशा आप कभी भी बैंक का नंबर या तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से निकालें या फिर आप जिस भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं उस डेबिट कार्ड के पीछे आपको नंबर मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप नंबर निकालेंगे और उसके थ्रू आप कॉल करेंगे और कॉल करके कस्टमर केयर को कंप्लेंट करके बताएंगे कि ऐसे ऐसे मैंने ट्रांजेक्शन किया, मेरा ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया और मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो इस केस में दोस्तों आपका पैसा 3 to 7 वर्किंग डेज में रिवर्स होता है, और कई रियर केस ही होता है कि 100 में से 99% केसेस में ऐसा होता है, नहीं तो कैश इंस्टेंटली रिफंड हो जाता है, वो 3 to 4 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली ही रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू।